हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी बीट रूट पूरी। तो देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1 कप गेहूं का आटा, 1 बीट रूट, 3 अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक। सबसे पहले हम बीट रूट को कट कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बीट रूट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बीट रूट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें आटा ले लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तिल डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून, अजवाइन डाल देंगे हाथों से क्रश करके, रेड चिली पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, बीट रूट डाल देंगे। पहले पानी नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका नॉर्मल डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी हो चुका है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, अच्छी तरह से मसल लेंगे। डो रेडी है, अब चलिए इसकी पूरी बना लेते हैं। लोई तोड़ लेंगे, ऑयल में डिप कर लेना है, जिसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस तरह से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। पूरियों को बेलकर मैंने रेडी कर लिया है, अब चलिए इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ऑयल के गरम होते ही पूरियों को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अक्सर बच्चे बीटरूट नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से बना के उन्हें खिलाइए। दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। पूरी को अच्छी तरह से मैंने दोनों साइड से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे।
पूरियों को मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे सर्व कर लेंगे। रेडी है हेल्दी बीटरूट पूरी।